Subscribe and click the bell icon for all the television updates. तो सबसे पहले तो अंजल क्या कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती हुई नजर आ रही है? अपने सेट से बाहर फिल्म से भी ऑब्वियसली मम्मी की मेमोरी चली गई है, वो कहीं चली गई हैं, तो मैं और राघव पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहे हैं और फाइनली वो हमें मिल गई हैं। और फिर बहुत गौचपच हो रहा है क्योंकि उनकी मेमोरी चली गई है, वो सबको गलत समझ रही है, लेकिन थैंक गॉड वो मुझे गलत नहीं समझती, मैं उनकी डॉक्टर हूँ फिलहाल। तो शी इज़ ट्रस्टिंग मी एंड आई होप कि मैं उनको एक सेफ प्लेस पर लेके जा चुकी। अच्छा, कहीं ना कहीं उनकी जान को भी खतरा है ऐसा भी सुनना है और आप ही लोग बचाने के वाले हैं। हाँ, उनकी जान को खतरा है, इसलिए मैं और कॉशियस हो गई हूँ कि ये सारी जो प्लानिंग है उनकी मेमोरी ना लाने की या राघव को उनकी लाइफ में प्लांट करने की, मेरे दिमाग में लाने के लिए, ये कोई तीसरा इंसान है जो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को जानना है कि किसने किया है। सो अंजोर विल फाइंड आउट। तो किस तरह एक हैप्पी फैमिली नज़र आने वाली है आगे? हैप्पी फैमिली, अगर शो में हैप्पी फैमिली दिखा दे तो शो चलेगा नहीं भाई लोग। सो आई गेस वी हैव टू शो द ड्रामा एंड द रनिंग एंड द चेजिंग एंड आई होप कि ये ट्रैक आपको पसंद है। लास्ट में फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? थैंक यू सो मच गाइज। आई रिमेम्बर 2 महीने पहले मैंने इंटरव्यू दिया था कि प्लीज़ वार्मली हमें वेलकम कीजिए, एंड नाउ आई कैन से दैट एक्चुअली आप लोगों ने मुझे वार्म, ओब्वियसली इनिशियली सबको प्रॉब्लम होती है मतलब एक रनिंग शो में किसी को भी वेलकम करने के लिए, बट आई एम सो ग्लैड कि मुझे अभी से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं। सो आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों ने मुझे एज अंजोर एक्सेप्ट किया। आई होप कि आप लोग उड़ान देखते रहे और हमें और प्यार देते रहे और ये इतना लंबा शो और भी लंबा चले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।